वेलकम सरकारी सिलेबस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए ये वैकेंसी है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। एक्चुअल में जो ये वैकेंसी है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये केंद्र सरकार मतलब कि मोदी गवर्नमेंट का एक ही मिशन है, तो केंद्र सरकार का मिशन है और हर स्टेट में मतलब कि हर एक राज्य में ये काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं देता है। तो इसमें ये वैकेंसी होने वाली है, और ये सारी की सारी वैकेंसी जो है ये है संविदा पे वैकेंसी। संविदागत मतलब कि टेम्परेरी परमानेंट नौकरी नहीं है, ठीक है। आपको एक मुश्त मंथली सैलरी आपकी डिसाइडेड है वो आपको मिलेगी, और कई सारे पदों पर वैकेंसी है और पद भी अलग अलग तरह के हैं। सारी वैकेंसी के बारे में हम जानकारी डिटेल में देखने वाले हैं, और इसमें आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सुयोग्य भारत के नागरिक, भारत के नागरिक का मतलब भारत के किसी भी स्टेट का रहने वाला कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, परंतु जो बिहार के हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, जैसे कि उम्र सीमा में छूट मिलती है, जो आपके लिए वैकेंसी रिजर्व होती हैं वो आपको मिलेंगी। अगर आप अदर देन बिहार हो तो आपको जो है ना जनरल कैंडिडेट की तरह अपना फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी की तरह आपको फाइट करना पड़ेगा। अब देखिए जो सबसे पहला पद है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर का है या कोऑर्डिनेटर RNTCP करके हैं। इसके टोटल हैं 38 पद, मंथली 20,000 रुपये आपको मिलेगा। आप पद दे सकते हो, अनरिजर्व के 37 हैं। इसी तरह आप जो है ना ये आपके लिए पद हो गए, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल की जो है ना छूट वगैरह अलग से मिली, वो मिलती है फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या, आपके पास MBA डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आपने कुछ स्पेशल नहीं है MBA वगैरह तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भी इसमें अलग से फॉर्म है, उसके बारे में भी हम यहाँ से देखेंगे। अब देखिए अगली जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की है। 30,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। 38 टोटल पद हैं, और जो है ना अगर आपके पास MBBS या BDS या आयुष में या MSc नर्सिंग वगैरह आपके पास है तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास 2 साल का है हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह में, हेल्थ केयर वगैरह में, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट में तो भी आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास MBA है किसमें, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो भी आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला पद उसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP करके, टोटल 19 पद हैं, 32,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी रहेगी। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। MBA या PG डिप्लोमा आपके पास हेल्थ मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पद के लिए, ठीक है। 2 ऐसे पद है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए 30,000 रुपये प्रति महीने आपको मिलेंगे। 24 टोटल वैकेंसी है। आपके पास MBA 2 साल का होना चाहिए फाइनेंस में तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए इन फाइनेंस में तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, या अगर आप पास CA वगैरह का डिग्री वगैरह है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके बाद जो है आपकी वैकेंसी फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर के लिए है। टोटल 92 वैकेंसी है। 12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए डाइटिक्स में या न्यूट्रिशंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद की जो वैकेंसी इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगली जो वैकेंसी है कम्युनिटी बेस्ड केयर एक्सटेंडर CBC के नाम से जाना जाता है। टोटल 54 वैकेंसी, 12,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी रहेगी। आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी की भी, आर्ट कला साहित्य विज्ञान जिससे भी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में हो गई। अब थोड़े से इसके बारे में और जानकारी आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कहाँ वैकेंसी है। टोटल 6 तरह के पद हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर सारी वैकेंसी लिखी हैं, और ये अनरिजर्व के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, और SC ST बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह के लिए आपके पास यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये मोस्टली हमने आपको बता दिया, मोटी मोटी जानकारी है, और इसकी PDF मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख पाएंगे। ये जो मैंने सारी चीज़ ली है ये ली है मैंने www.statehealthsocietybihar.org से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म इसी वेबसाइट पर जाकर भरना है। आपकी उम्र सीमा जो है ना न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बात हो गई आपकी जो है ना, और आपकी उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। आपकी जो शैक्षिक योग्यता वगैरह है मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2019 से देखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे अभी अपीयरिंग है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
तो ये चीज़ हो गई। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 10 से करने, मतलब आज से आपके शुरू हो चुके हैं और चलेंगे 20 नवंबर तक। तो आपके हाथ में करीब करीब 20 दिन रहने वाले हैं, आप जितनी जल्दी हो सके आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और ये देखिए, संविदा की वैकेंसी टोटल 11 महीने की है। अगर काम सही रहता है तो 3 साल तक आपको फर्दर इसमें एक्सटेंशन मिल सकता है। आप इसमें जो है ना, आपकी बढ़ाई जा सकती है नौकरी, ठीक है। तो ये चीज़ें, और आप एक सरकारी सेवक, मतलब सरकारी जिसे परमानेंट नौकरी होती है, उस तरह की ये नौकरी नहीं है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आरक्षण सिर्फ जो है ना, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें ही मिलेगा, और राज्य के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर राज्य के हैं तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरिए तो वहाँ पर आप जनरल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आपकी फॉर्म फीस कितनी है? फॉर्म फीस सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 500, महिलाओं के लिए 250। ईडब्ल्यू मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी से कहते हो, 500 रुपये जनरल के, 500 रुपये पुरुषों के लिए और 250 रुपये महिलाओं के लिए। SC ST बिहार वालों के लिए 250 रुपये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी 250। दिव्यांग के लिए 250, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको फॉर्म फीस वगैरह बता दी। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह कहीं से भी आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका चयन का आधार क्या होगा? देखिए, चयन का आधार के लिए सबसे पहले आपका होगा एक CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्लस आपके जो एकेडमिक के नंबर हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपने ग्रेजुएशन की, जो आपने PG किया, ठीक है, उसके नंबर लिए जाएंगे, और आपके इंटरव्यू के नंबर, इन तीनों का धन करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखिए, कई पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू हटा दो, तो आपके जो रिटन एग्जाम CBT हुआ प्लस आपकी एकेडमिक, दोनों के जोड़ के फाइनल आपकी जो है ना मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर का पद है, इसमें आपके जो है 70 नंबर जोड़े जाएंगे CBT से, और 30 नंबर आपकी एकेडमिक्स, जो अपने ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री वगैरह की है, और इंटरव्यूज में नहीं, तो आपके 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ से बन गई। अब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए 50 अंक रिटन एग्जाम से, 30 अंक आपके जो है ना एकेडमिक्स से, ठीक है, और 20 अंक आपके इंटरव्यू होगा। तो आपकी इस तरह 50 30 80 और 20 100 100 नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए 50 रिटन एग्जाम, 30 आपके एकेडमिक्स और 20 आपके इंटरव्यू। फाइनेंस कम लॉजिस्टिक के लिए 70 आपके एग्जाम जो आपका होगा कंप्यूटर पर, और 30 अंक आपके जो आपकी एकेडमिक्स है उससे लिए जाएंगे। तो इस तरह आपके 100 अंक पर आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 70 आपके रिटन एग्जाम से, 30 आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और कम्युनिटी बेस्ड केयर एक्सटेंशन से 70 आपके रिटन एग्जाम से, 30 आपके जो है ना एकेडमिक से नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस तरह हमने इसके बारे में देख लिया, ठीक है। और देखिए, कार्य अनुभव 2 पद में चाहिए था, एक तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP के लिए, और फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए मैंने ऊपर बताया था 2 साल का इसमें कार्य अनुभव मांगा गया था। बाकी किसी पोस्ट में कोई भी अनुभव की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। तो इस तरह हमने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 40% नंबर मिनिमम लाने हैं, जो पिछड़ा वर्ग OBC वगैरह के उन्हें 36.5% लाने हैं, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके 34% लाने हैं, और जो SC ST कैटेगरी है और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उन्हें मिनिमम 32% लेके आने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे, वरना आपको यहीं से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ खास नहीं, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा, आपको ले चलूँगा ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे बनना है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, मैं और बाकी मैं दिखाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो लेकिन इसकी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब देखिए, कुछ इसकी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के कमेंट में आते हैं, मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। व्हाट इज़ द प्रोसेस सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन? सिंपल से आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स देनी है और सिंपल सा अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वुड द डिटेल्स आई फिल इन बिफोर जनरेशन एप्लीकेशन ID सेव्ड? नो, मतलब कि कई सारे ऐसे होते हैं, एक बार अपने उसमें एप्लीकेशन ID बना दी तो आप बार बार को डिटेल्स नहीं भरनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आपको सारी डिटेल्स फिर से आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ माई कंप्यूटर स्विच ऑफ? जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपको क्या करना है? इफ़ यू लॉग आउट फ्रॉम योर कनेक्शन इट इज इंटरप्टेड एट द स्टेज आफ्टर जनरेशन एप्लीकेशन आई डी
यू विल बी डायरेक्टेड टू द प्लेस वेयर यू लेफ्ट. अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है तो आपने जहाँ से आपका बंद हुआ था वहाँ से आप फिर से शुरू कर सकते हैं. अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है तो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी. इस तरह की ये कुछ बच्चों की जो समस्याएं होती है उसके बारे में यहाँ से बता रहा हूँ. इफ़ आई अप्लाई ऑनलाइन डू आई ऑल्सो हैव टू पोस्ट अप्लीकेशन टू SHSB? नो नो नीड, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है. व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ अप्लीकेशन नंबर, ये आपको लिए रखना है, फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो आपके लिए ये कामगर साबित होगी. आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो नो, आप इसके लिए फाइनल ईयर के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. हाउ डू आई पे माई एग्जाम फीस, आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तब आप 500 रुपये क्रमशः 250 रुपये जो आपकी कैटेगरी वाइज आप अपना ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं. इन केस माई एप्लीकेशन रिजेक्टेड, विल माई एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड? तो नो. ठीक है, आई हैव हैड माई एजुकेशन बिहार, माई फादर वर्किंग बिहार, कैन आई क्लेम लोकल रेजिडेंट ऑफ बिहार? यस, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, आपका डोमिसिल सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपके पास में है तो आप इसके लिए कंसीडर किए जा सकते हो, आपको क्लेम मिलेगा. ठीक है, अगर आप अदर देन स्टेट के हो, मतलब कि बिहार के किसी बाहर के रहने वाले हो, यूपी MP गुजरात कहीं से भी रहने वाले हो, तो आपको मिलेगा जो है ना. आप इसमें फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? तो यस, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो. ठीक, चाहे आप भारत के किसी भी कोने के रहने वाले क्यों ना हो. अब यहाँ से हमने कुछ जो मुख्य प्रश्न आते हैं बच्चों के वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया. अब आपको लेके चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे. अभी देखिए, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके आ गया हूँ. यह वेबसाइट है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट है, statehealthsocietybihar.org इसका जो है ना ऑफिशियल एड्रेस है. आप ये डालिएगा सीधे जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, www.statehealthsocietybihar.org. जिसे आप डालेंगे तो आप होम पेज पर इस तरह का आपको दिखेगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैरियर्स का बटन है, कैरियर पर आपको क्लिक करना है. सारी चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ताकि फॉर्म भरने में भी आपको दिक्कत ना हो. कैरियर पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एक नई तरह की विंडो खुल के आएगी, कुछ इस तरह की, आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, इस तरह की खुल के आएगी जो सबसे लेटेस्ट है 31, मतलब कि आज जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, तो आपको इसी नंबर 1 पे ही क्लिक कर देना है, 31 अक्टूबर वाली पे. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई फिर से पेज खुल के आएगा. अब यहाँ से आपको जाना है जो लेटेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/19. ठीक है, इसमें अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आपको सही से दिख रहा होगा. तो ये लेटेस्ट वाला है. अब देखिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह आपको देखनी, जो मैंने आपको बताया है, जो आपको PDF में बता रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं. और मैं इनका लिंक जो है ना नीचे आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और जो है ना, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, आपको क्लिक हियर कर देना है. सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप इस पर क्लिक हियर कर देंगे, आपके लिए नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं. आपके फॉर्म 31 से चालू हो चुके हैं और 21 नवंबर तक चलेंगे. आपको सिंपल से रजिस्टर करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर जाकर, ठीक है, और यहाँ से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे. ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो दोबारा इस पर लॉगिन करके अपना फॉर्म डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें दे सकते हो. ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में पड़ा है. और जो है ना, अगर आप हर पद के बारे में जानना चाहते हो कि जो आप, जैसे ये फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर या कम्युनिटी बेस्ड केयर एक्सटेंडर का जो पद है, इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक कर देना. ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. अब देखिए, आपको क्या क्या काम करना पड़ता है इंडिविजुअल पद के लिए, उसके लिए आप उस पद पर क्लिक कर दोगे तो एक नई PDF खुल जाएगी और PDF में उस पद के बारे में डिटेल में चीज़ें लिखी होंगी. जैसे कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए लिखिए जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको क्या काम करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं उस पद पे टोटल 54 वैकेंसी थी. ठीक है, और आप देख सकते हैं आपको क्या क्या, समरी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या काम मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख पाएंगे. और उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सारे जो आपके डाउट्स हो सकते हैं, कई सारी क्वेरी हो सकती हैं, हमने आपको गाइड कर दिया. आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दिया है और मैं इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है ना कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम.